हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अय्यूब सैफी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं फ्रेम अलमारी के बारे में, यानी कि जो हमारी सीमेंटेड अलमारी होती है उसका फ्रेम जो हम बनाते हैं वो 3.5 के साइज में बनाते हैं, यानी कि जो लकड़ी होती है। और ये जो अलमारी का जो हमारे पास साइज है ये 8 फीट ऊँचाई है और 6 फीट इसकी चौड़ाई है। मैंने इसको किस प्रकार तैयार किया है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास केल पाइन की यानी कि लकड़ी है। अगर हम इसके रनिंग फुट की बात करें, आपको 30 रुपये से लेकर 40 रुपये के इस रनिंग फुट के हिसाब से मिल जाएगी। और हम जो अपना ये निशान लगा रहे, रुकार का निशान लगा रहे, जो फ्रंट साइड होता है, और ये हमारे पास अपनी ओपन अलमारी है। हम इसके खत करेंगे इस प्रकार। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमें निशान लगाने होते हैं, और निशान लगाने के बाद हम अपना साइज पेमास का साइज बनाते हैं। उसके बाद हम अपना बड्डी लगाकर यानी कि खत्ते से हम चोर निकालेंगे, जो आप खांचे बोलते हैं जिसको, और खांचे निकालने होते हैं। इस अनुसार दोस्तों, हम खांचे निकालने के बाद हम अपना जो हमारी फ्रेम होगी हम उनकी विदाई वगैरह भी करेंगे, और ये हम अपना कटिंग कर देंगे इस प्रकार दोस्तों। और ये समझो बस हमारा फ्रेम लगभग तैयार हो जाएगा। दोस्तों, जो हमें अपना फ्रेम बनाना होता है उसमें आपको 12 mm का यानी कि खांचा देना होता है। इस अनुसार जैसे कि मैं अपने फ्रेम की बिंदाई कर रहा हूँ, ये हम अपने फ्रेम की बिंदाई कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ फ्रेम होते हैं जो आर पार होल होते हैं, उनके हमें उनको आर पार नहीं करना चाहिए। जैसे आपके सिर होते हैं उनके आप आर पार होल कर सकते हो, और जो भी सेंटर के होल होते हैं उनका आप आधा होल कर सकते हो। दोस्तों, हम इस प्रकार अपना खांचा देना होता है ऊपर की साइड में, इस अनुसार आप खांचा दे सकते हैं। आप जो आरी चलाएंगे वो ज़्यादा नहीं चलाएंगे, वो धीरे से चलाएंगे थोड़ी थोड़ी। और दोस्तों, इस प्रकार अपना फिटिंग करना होता है, और हम अपना गोनी से राइट एंगल से यानी कि अपना सेंटर चेक करेंगे, और इस अनुसार दोस्तों बारी बारी से अपना फ्रेम की फिटिंग करते चले जाएँगे। और दोस्तों, ये हमारा ऊपर साइड का हिस्सा है अपना फ्रेम का, जो हम उगाई कर रहे हैं। और दोस्तों, हमने अपना पूरा फ्रेम के खांचे तैयार कर लिए ठोकर, यानी कि अब हम अपना फ्रेम को पूरा पक्का करेंगे इस अनुसार। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने फ्रेम में फेम कोल वगैरह भी लगा सकते हैं अपनी बढ़िया मजबूती के लिए। दोस्तों, हमें फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले आप अपना यानी कि इसकी कान निकालेंगे, जैसा कि जो रेंच हो जाता है अपने फ्रेम में उसको हमें ध्यान रखना होता है। और उसके बाद हम अपना रेंच निकालने के बाद अपना थोड़ा 8 नंबर का थोड़ा थोड़ा इसमें यानी कि 3 mm के बराबर अपना होल करेंगे। और उसके बाद हम अपना 1 इंच का जिप्सम पेंच लेंगे और उसमें अपना पेंच लगा देंगे इस अनुसार। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पेंच इसमें हमने लगा दिए हैं सभी प्रकार के, और इसमें अपने जो पेंच लग चुके हैं वो हमने थोड़ा नीचे लगा दिए हैं, जिससे कि अगर आप थोड़ा बहुत उसकी फिनिशिंग करना चाहेंगे तो वो आपके रंधे के प्लान में अड़ेंगे नहीं। और दोस्तों, इस अनुसार हमने अपना पूरा फ्रेम कंप्लीट कर लिया है। ये हम अपना 20 सेंटर का निशान लगाते हैं। दोस्तों, हमें बिल्कुल अपना फ्रेम तैयार करने के बाद अपने सिरों की कटिंग करनी होती है, और ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया है। दोस्तों, हमें अपना जो मिलाई करते हैं हम अपने फ्रेम की, वो उसकी फिनिशिंग करनी होती है, जिससे कि जो अपना ऊंचा नीचा ना हो वो इकसार हो जाता है। और दोस्तों, हम अपने अपने फ्रेम को अपने स्थान पर रख दिया है, और यहाँ पर हम 2 इंची ऊपर उठाएंगे अपने फ्रेम को, यहाँ पर आपने देखा। और फ्रेम लगाने के बाद हम अपने फ्रेम को सोल से यानी कि चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा जो इसमें फ़र्क आ रहा है वो लगभग आपका इसमें 10 mm का फ़र्क आ रहा है। ये हमने इस कोने को यानी कि यहाँ पर इस फर्श में डाल था, इस अनुसार दोस्तों यहाँ पर हमारा अपना इसमें 10 mm का यानी कि फ़र्क आया। दोस्तों, हमने अपना फ्रंट साइड से भी फ्रेम को चेक करना होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल 0-0 पेमास आ रही है यहाँ पर। और दोस्तों, हमने ये हमारी जो अलमारी है सीमेंटेड, इसमें आपका 1/2 इंच का फ़र्क था, इसलिए हमने इसमें पीछे पैकिंग दिया। ये जो आप देख रहे हैं, हमने 2 कील लगाकर इसमें यहाँ पर इसमें अपना पैकिंग देंगे। इस अनुसार दोस्तों, यहाँ पर जो अपना इसमें अलमारी में डाले वो आपका सोल में आ जाएगा इस अनुसार। दोस्तों, अपने अपने लगाने के सभी के तरीके होते हैं, मेरा अपना लगाने का यही तरीका है जो मैंने आपको लगा कर दिखाया। दोस्तों, यहाँ पर अलमारी में बहुत काफ़ी डाल था, लगभग 12 mm और 19 mm के आसपास इसमें हमने अपना सेंटर कर लिया है।
यहाँ पर हम अपना सभी होल के निशान लगा देंगे लगभग दो दो फुट की दूरी पर। इस अनुसार दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपने देखा मैंने अपने सभी निशान लगा लिए हैं और हम अपना जो होल करेंगे वो अपना हम 4 नंबर के बिट से होल कर देंगे, जिससे कि जो हमारी यह पैच होता है उसमें आपको लगाने में आसानी होगी। उसमें जो अपना पैच हैगा स्क्रू वो आप आसानी से लगा सकते हैं। ये हमारी पिन की, हम इस पिन की सहायता से अपने फ्रेम में बैक साइड की तरफ यानी कि अलमारी में निशान लगाएंगे जहाँ पर हमें अपने होल करने हैं। यहाँ पर हम अपना 6 नंबर की बिट से होल कर देंगे। होल करने के बाद दोस्तों उसके बाद हम अपना पीवीसी किट लेंगे और वो लगा देंगे। ये हमने अपने सभी निशान लगा दिए, इस अनुसार दोस्तों हम अपने यहाँ पर होल कर रहे हैं। हम अपना जो होल करेंगे लगभग वो आपको हम इसमें जो पैच का प्रयोग करेंगे स्क्रू का वो लगभग 3 इंची यानी कि 75 mm और 100 mm का स्क्रू का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम उस हिसाब से होल करना होता है। हम जो होल किए हैं 8 नंबर का, इसमें 6 नंबर का होल किया है और ये अपनी पीवीसी जो हमारी गिट्टी होती है 6 नंबर की हमें वो लगानी होती है। उसके अनुसार हमने सभी अपनी गिट्टियाँ लगा ली गई हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने अपना फ्रेम लगा लिया है। फ्रेम लगाने के बाद जो हमारा सेंटर होता है हम उसको चेक करते हैं यानी कि सीधे फीटे की सहायता से। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमारे पास 6 फुट का फीटा है और हमने इसमें यहाँ पर पैकिंग देकर अपना सेंटर करके इसमें यहाँ पर पैच लगा दिया है। और हम अगर आप इसमें यहाँ पर पैकिंग पहले नहीं देते, अगर आपकी यानी कि सीमेंट अलमारी में फ़र्क है उसमें आप पैच लगा देते हैं वहाँ पर आपका इसमें यानी कि हम उसको एक मगर बोलते हैं यानी कि वहाँ पर आपका ऊंचा नीचा हो जाए टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो उस पर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और ये हमारा जो बीच का फ्रेम आप देख रहे हैं इसका जो हिस्सा था बाहर निकला हुआ था, काफ़ी हमने अपना लगभग 9 mm पैच अंदर घुसा दिया है और उसमें अपना उसको तुरंत प्लेनर से रन्ना मारा। और यहाँ पर आप 6 mm की प्लाई देख रहे हैं, हमें सबसे पहले एक दर्ज बनानी होती है और हम जो अपना ग्रुप की प्लाई चीरेंगे तो अपने जो हमारे फ्रेम की मोटाई होती है उस अनुसार भी चीर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो आपका अगर फ्रेम में पीछे जगह रह जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी एक ही पट्टी है, मैं उसको लगा रहा हूँ, ये टेपरदार आपको नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो हिस्सा अलमारी का वो बहुत ही पीछे हटा हुआ था, इसलिए हमने अपना पूरा फ्रेम सोल में किया लेवल में। और यहाँ पर हम अपना पट्टी से इसका जो पीछे की जगह रह जाती है उसको भी पूर्व कर देंगे और जिससे कि जो आपकी जगह होती है वो बंद हो जाएगी। दोस्तों ये हम अपना सभी ग्रुप लगा देंगे, ग्रुप की प्लाई लगा देंगे इसमें यहाँ पर। और ग्रुप की प्लाई लगाने के बाद जो फ्रंट साइड होता है उसको लगानी होती है। ये देख रहे हैं दोस्तों आप ऊपर की साइड में यहाँ पर बहुत काफ़ी गैप है, हम इसको अपना ग्रुप की प्लाई से जो हमारा साइज होता है उससे जितनी गुंजाइश होती है फालतू अपना जहाँ तक जगह होती है उसको उस हिसाब से फेमस लेनी होती है। और उसके बाद जो आपके अगर प्लाई बाहर निकलती है उसका कटिंग करना होता है। हमारा सभी हमने अपना ग्रुप भर लिया, यहाँ पर जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है यानी कि प्लाई का उसको हम फिनिशिंग कर देंगे बिल्कुल एक सार फ्रंट साइड से, जिससे कि ऊपर नीचे ना हो, ये आपकी फिनिशिंग हो जाएगी। इसमें दोस्तों आपको बहुत हल्की ब्लेड कर अपना फिनिशिंग करनी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी हमने फ्रंट साइड की प्लाई पिन लगा रहे हैं यानी कि निप, उसमें ये हमारी जो निप लगी हुई है इसमें आपकी 1 इंची यानी कि 17 नंबर की हेडलेस पिन लगी हुई है यानी कि 25 mm की। और दोस्तों आप अपना सभी प्लाई लगा देंगे फ्रंट साइड से, यही हमारा फ्रेम बनाने का तरीका होता है जो मैं आपको लगाकर दिखाया। दोस्तों हमने अपने इसी फ्रेम में सारे जो अपना पैच यूज़ किए हैं वो आपके इसमें हमने 75 mm के स्क्रू यूज़ किए हैं। दोस्तों अगर आप कभी बनाना होता है तो इसी अनुसार बना सकते हैं। दोस्तों आप साइड पर अगर मैं बात करूं आप फ्रेम तैयार तो नहीं कर सकते, आप अपना जहाँ से अपना लकड़ लेते हैं वहाँ से आप अपना साइज़ बनवा सकते हैं। और इसका जो साइज़ रखना होता है वो आपको 3 इंची और 1.5 इंची का साइज़ रखना होता है। मैंने आपको दोस्तों इसकी कॉस्ट भी बता दी है किस प्रकार रनिंग फुट से मिल जाता है, ये आपको 30 रुपये से 40 रुपये तक मिल जाता है।
करता हूँ आपको हमारी वीडियो की थोड़ी जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।